सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम एट क्लास में प्रश्न नंबर 23 पढ़ेंगे, क्योंकि 22 तक, 1 से 22 तक जो है वो हमने एसए 1 में सिलेबस कवर कर लिया था। मतलब एफए 1 और एफए 2 का सिलेबस हमारा जो बन रहा था एसए 1 का, वो बन रहा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 और ये आपका है, दो आसमान स्पर्श करते हुए वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। तो हमें दो वृत्त दिए हुए हैं और दोनों वृत्त असमान हैं पर आपस में स्पर्श करते हुए हैं, ये कंडीशन है। तो हमने दो वृत्त लेने हैं। देखो, हम एक वृत्त ले लेते हैं छोटा थोड़ा सा, एक थोड़ा इससे बड़ा ले लेंगे। तो ये आपका वृत्त आ रहा है, इस वृत्त का हम नाम दे देते हैं बी, ये पॉइंट है, इसका नाम हम बी दे देते हैं। और एक थोड़ा सा इससे मैं बड़ा ले लेता हूँ वृत्त, मैं इतनी सी प्रकार थोड़ी बड़ी खोल देता हूँ। तो ये मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे और लगभग मैं इसके सीध में ही रखूँगा ताकि मेरी ए बी रेखा जो है वो सीधी आ जाए। बिल्कुल स्पर्श करते हुए वृत्त है ये, आप देख सकते हैं ये इस तरह से, मैं ये वृत्त मैंने दो ले लिया है। तो इसका नाम जो है, ये आपका पॉइंट है, इसका नाम हम दे देते हैं ए। अब हमारे पास वृत्तों के केंद्र आ रहे हैं ए और बी, हम इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को आपस में डॉटेड मिला लेते हैं। इस तरह से हमने इनको मिला दिया है। अब हमने इस रेखा, अब हमारे पास एक रेखा आ गई है ए बी, हमने इसका समद्वि भाजन कर देना है इस तरह से, इसका समद्वि भाजन कर देंगे। देखो, समद्वि भाजन यहाँ पे कट रहा है, इस रेखा पे कट रहा है, तो आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे कट रहा है भाई समद्वि भाजन इसका है। ये मैंने इस तरह से यहाँ हम रेखा लगा रहे हैं, आप भी इस तरह से रेखा लगा सकते हैं, जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है वहाँ पे आप थोड़ी सीधी रेखा लगा सकते हैं। बाकी जो रेखाएं आपने लगानी है वो आपकी आंसर रेखा के अलावा, बाकी सब आपकी डॉटेड लाइनें आएगी, सिर्फ आपकी आंसर रेखा जो है वो डार्क आएगी, बाकी आपकी डॉटेड आएगी। तो इस तरह से ये आपने लगा दिए। ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये आपका पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो और ए जितनी या यहाँ से बी जितनी प्रकार खोल दो, इस तरह से खोल सकते हैं। और आपने यहाँ से जो है वो वृत्त लगाना है, हमने यहाँ पे अर्धवृत्त लगाना है इस तरह से, और ये भी आपका अर्धवृत्त जो आएगा वो बिल्कुल डॉटेड आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये रेखा है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, जहां पे ये वृत्त मिल रहे हैं ना आपस में, यहां हम पॉइंट का नाम दे देते हैं के। अब या तो आप के पॉइंट पे यहां से नंबरिंग रिकॉर्ड बना दो तो भी चलेगा, या फिर आपने क्या करना है, जो ये आपकी रेखा समद्वि भाजन वाली, इसके समानांतर आपने यहां से के पॉइंट से एक डॉटेड लाइन लगानी है वृत्त की परिधि तक, जो आपका अर्धवृत्त आपने लगाया है, या आपका अर्धवृत्त था ना, इसकी परिधि तक। यहाँ दो ऑप्शन है, या नंबर डिग्री कौन बना दो, या फिर आप जो है यहाँ से ए बी इसके आधे के समान, जो आपका आध किया था इसके समान रेखा लगा दो। अगर आपने नंबर डिग्री कौन बनाना है तो यहाँ से भी आप इस तरह से भी आप सेट स्क्वायर को रख करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है, ये आपका कौन नंबर डिग्री का, ये देखिए यहाँ मैंने ए बी रेखा पे सेट स्क्वायर रखा है, यहाँ इस पॉइंट पे रखा है के पे, आप देख सकते हैं यहां तक आ रहा है, ये पॉइंट हमारा है आर, आर पॉइंट है। आपने क्या करना है, आर पॉइंट पर प्रकार रखो और के जितनी प्रकार खोल दो, ये देखिए ठीक है। और यहां से आपने एक चाप, में कहूंगा ये अर्धवृत्त नहीं होगा,
इसका सही नाम होगा चाप हमने लगानी है यहाँ इस तरह से, जो दोनों ब्रेथों की परिधि को छुएगी। देखो दोनों ब्रेथों की परिधि को छू रहा है, देखो बड़े ब्रेथ की परिधि को जहां पे छू रहे हैं यहां पे हम नाम दे देते हैं इसका M, ये पॉइंट आपका M है, और जहां पे छोटे ब्रेथ को छू रहा है ये पॉइंट आपका है N। आपने क्या करना है, M और N जो ये आपके बिंदु आ रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को आपने आपस में मिला देना है डार्क रेखा से इस तरह से। यहां देखिए ये आपकी आंसर रेखा है, और इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 23 ये हल हो चुका है। ये दो असमान स्पर्श करते हुए वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा आ गई है, इस तरह से ये आपने बनाना है।